तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चे, आप लोग थंबनेल देखकर ये समझ लिए होंगे, दिख गया होगा आपको थंबनेल में साफ साफ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आज हम लेक्चर नंबर 4 में पौधों में पोषण, यानी कि प्लांट्स इन न्यूट्रिशन, पेड़ पौधों में पोषण, किस तरह पेड़ पौधे अपना पोषण करते हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो बड़ी मेहरबानी, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके ग्रुप में पहुंचाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहां तक हो सके इस वीडियो को पहुंचाइए जल्दी। प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां तक हो सके पहुंचाइए, जिसके साथ आप जुड़े हो वहां तक पूरे इस वीडियो को जल्दी से पहुंचाइए, जल्दी फटाफट लाइक कीजिए फटाफट से, फिर हम क्लास का आगाज करते हैं। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 को कंप्लीट किया है। लेक्चर नंबर 3 यानी कि प्रपोषण के प्रकार, अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक, तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। जल्दी सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है, जल्दी से उस वीडियो को पहले देखिए और फिर हम आज का क्लास आगाज करते हैं। पौधों में पोषण के बारे में चर्चा करने वाले, तो फटाफट जल्दी सब लोग शेयर करें, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी फटाफट। चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण, यानी कि पेड़ पौधे किस तरह से भोजन करते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि किस तरह से पेड़ पौधे भोजन करते हैं? जी हाँ, नहीं सोचा तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपको आज समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे आपको कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण और क्या हो, कैसे करते हैं पेड़ पौधे अपना पोषण। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिख रहा है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। जरा ध्यान देखिएगा इस वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण, इसके नाम से स्पष्ट है, प्रकाश यानी कि लाइट। जी हाँ, लाइट की चर्चा। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि लाइट के बारे में संश्लेषण, यानी कि लाइट का संश्लेषण, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इसको। चलिए आगाज करते हैं इसका, क्या होता है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है भाई, एक काम है। कैसा? तो ये एक ऐसा वर्क है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए, जिस प्रोसेस को अपनाकर ये जो पेड़ पौधों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, या फिर अपने गांव में, मोहल्लों में, अगल बगल बहुत सारे धरती पर पेड़ पौधे हैं, जिन जिन पेड़ों को आपने देखा है, छोटे पेड़, बड़े पेड़, जिनको भी आपने देखा है, पौधों को देखा है, उनमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह एक प्रक्रिया का नाम है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, ये क्या होता है, जरा इसके परिभाषा की ओर चर्चा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं और फिर अपने आप को चुस्त फुस्त दुरुस्त रखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर लिखा है, आपसे अगर कोई पूछे परीक्षा में, हालांकि क्वेश्चन बनता है इससे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? आप ऐसे ही इसको लिखेंगे कि सभी हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो हमको चाहिए सूर्य से प्रकाश, वातावरण से CO2, जल, जड़ से खनिज लवण और
जल लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? चार पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्या क्या है, उसका नाम क्या है? तो पहला का नाम आप देख रहे हैं क्या है, तो सूर्य से प्रकाश ले लिए भाई, सूरज से क्या ले लिए प्रकाश, सूरज की जो रोशनी है हमारा प्राकृतिक रोशनी, जिसका आज तक कोई बैटरी डाउन नहीं हुआ, कोई तार कोई कनेक्शन नहीं, और आज तक बढ़िया से बढ़िया धूप दे रही है और पूरी दुनिया को रोशनी कर रही है। उसका कहीं तार का पता है आपको? क्या आपने उसका कभी वायर लगाया है? क्या आपका आपने कभी सूर्य का बैटरी डाउन होते देखा? नहीं देखा। वो हमारा प्राकृतिक स्रोत है, एनर्जी देती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो पेड़ पौधे प्रकाश कहाँ से लाएंगे? सूर्य से प्रकाश ले लिए, सूर्य से क्या ले लिए? लाइट यानी कि प्रकाश। उसके बाद वातावरण, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या है भाई? CO2 है, हमारे वातावरण में CO2 गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है भाई। पेड़ पौधों को, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इन पौधों को वातावरण से कौन सी गैस चाहिए? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हम मनुष्य हैं तो हमको कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन पेड़ पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वातावरण से। आपको मैं बता दूं कि वायुमंडल के अंदर यानी वातावरण के अंदर हमारा CO2 जो है 0.03% पाया जाता है वायुमंडल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वातावरण से CO2 ले लिए, जड़ से, ये जो जड़ आप देख रहे हैं, इस जड़ से क्या लिया? खनिज लवण लिया, खनिज लवण और जल। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ को क्या मिला? इधर मान के चलो यहाँ पर आपका क्या है भाई? सूर्य भगवान है, ठीक है, ये आपका सूर्य भगवान है। अब आपने क्या किया, सूर्य भगवान जी उदय हो गए और यहाँ से क्या आ गया? लाइट आ गया। कहाँ पर? पेड़ की पत्ती पर। पेड़ की पत्ती पर क्या आ गया? लाइट आ गया। अब जो लाइट पेड़ की पत्ती पर आया, तो भाई पेड़ की पत्ती में ऐसा क्या है जो लाइट को अवशोषित किया? लाइट को यानी कि प्रकाश को क्या किया? अवशोषित कर लिया, खींच लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया। कौन कौन है वो? तो इसके अंदर जो है एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और उसी क्लोरोफिल के कारण हमारा पेड़ पौधे हरे होते। अभी इसके आगे बात करने वाले हैं हम। अभी फिलहाल आप समझें कि पेड़ की पत्तियों में क्लोरोफिल बैठा है और वह क्लोरोफिल प्रकाश की रोशनी को खींच लेता है और खींचने के बाद रख लेता है। लो भाई तुम खाना बना लो। अब हमने सूर्य की प्रकाश दे दिया, वातावरण से भाई CO2 ले लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, ठीक है। जड़, इसको जो जड़ देख रहे हैं आप, जड़, इस जड़ से इसने क्या लिया? खनिज लवण और जल लिया। खनिज लवण आपने इसको क्या दे दिया? जड़ से दे दिया खनिज लवण और जल दे दिया। खनिज लवण क्या है भाई? आपने पेड़ पौधों को जड़ों में क्या उर्वरक खाद ये सब डालते हैं कि नहीं डालते हैं? मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है कि नहीं होता है? फिर पानी देते हैं तो पानी में वो घुल जाता है और फिर धीरे 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 ऊपर चढ़ती है कि नहीं है? तो खनिज लवण दिया, जल दिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति। भाई क्लोरोफिल कहाँ से आया? तो क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है। कहाँ? पत्तियों में पाया जाता है। कुछ क्लोरोफिल जो होते हैं इसके तनों में पाए जाते हैं, है कि नहीं है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति हुई और इसी उपस्थिति के कारण सब कुछ जब इसको मिल गया तो कहता है कि ठीक है, हम जा रहे हैं खाना बनाने। वाह वाह क्या बात है, खाना बन गया। अब खाना में क्या बना? मुर्गा बना? नहीं। चिकन चिल्ली बना? नहीं। दाल भात चटनी बना? नहीं। क्या बना भाई? ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि पेड़ पौधे भोजन में क्या बनाते हैं, तो सर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज, ये बनाया भोजन में पेड़ पौधे। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण समझ में आया भाई? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई, जिसमें पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वातावरण से CO2 लेते हैं, जी हाँ, जड़ से खनिज लवण एवं जल लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाते हैं, मस्त बनाते हैं, खाते हैं, हरे भरे रहते हैं, जिंदा रहते हैं,
है कि नहीं है। तो ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? जी हाँ क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। अगर अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम अभी वीडियो को देखेंगे उसके बाद शेयर करेंगे, तो नहीं, पहले आप इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और इत्मीनान से मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए, और फिर अपना लाइफ जो है फ्यूचर को बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या हुआ भाई, प्रकाश संश्लेषण हुआ। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ना, वह अभिक्रिया जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल वाली अभिक्रिया। कैसे? देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जब हुआ तो हम लोगों ने पेड़ पौधों को क्या दिया भाई, हमने क्या दिया, ईमानदारी से आप बताइए, वातावरण से क्या दिया? CO2 दिया। क्या दिया? CO2 दिया, वातावरण से CO2 दे दिया। चलिए उसके बाद आपने उसको क्या दिया, मैं फिर से लिखता हूँ, CO2। उसके बाद हमने क्या दिया भाई, जल दिया। अभी तो बताया कि जड़ से खनिज लवण और जल दिया, तो नीचे से यानी जड़ से हमने उसको क्या दे दिया, पानी दे दिया, पानी। अब जैसे ही पानी दिए, क्या दिए, पानी, फिर क्या दिया हमने, सूर्य से प्रकाश, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया हमने, सूर्य प्रकाश दे दिया। अब सूर्य की प्रकाश लिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति हो गई, इसको क्लोरोफिल की उपस्थिति हो गई। अब इसको क्लोरोफिल मिला, सूर्य की प्रकाश मिला, CO2 और H2O क्या करेगा, दनादन फाइट करेगा, लड़ाई करेगा, खूब लड़ेगा। और जैसी लड़ेगा पेड़ को फायदा होगा, कैसे भाई, भोजन बन गया। क्या बना भाई भोजन? तो भोजन में आपने क्या बना दिया, तो भोजन में आपका बना C6H12O6। क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया कि नहीं बनाया? इन दोनों को लड़ने से पेड़ को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ हो गया, इसको ग्लूकोज बन गया। और साथ ही साथ हमने पानी दिया, तो पानी भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या हम पानी पीते हैं तो सारा का सारा पानी बॉडी में रहता है? नहीं रहता। उसी तरह पानी जब हम पेड़ पौधों को देते हैं तो ये भी तो वाष्पित कर देता होगा, वायुमंडल में उड़ा देता होगा, भाप बनाकर उड़ा देता होगा, है कि नहीं है? तो हमने पानी दिया तो क्या निकाल दिया भाई, पानी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पानी भी निकाला, पानी दिया था, पानी निकाला। अब बताइए कि इसको खाना मिल गया, अब भाई पानी दिया, पानी निकाला, तो हम लोगों को क्या फायदा है, मनुष्य को क्या फायदा है? तो क्या आप नहीं जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमें कौन देती है, पेड़ पौधे देते हैं, तो हमको भी फायदा हुआ। हमको कैसा फायदा? तो हमको मिल गया ऑक्सीजन। हमको क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, और हम खुश हो गए। क्या बात है, क्या बात है। इसी तरह जो है दोनों लड़ते रहे, आइए खाना इसको मिलते रहे, हमको ऑक्सीजन मिलते रहे। इसीलिए कहा जाता है कि हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधों को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब बताइए एगो बात ईमानदारी से, कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जब तक पेड़ पौधा खाना नहीं बनाएगा, क्या वो ऑक्सीजन छोड़ेगा? नहीं। इसका मतलब हम जिंदा है पेड़ पौधों से। जी, इसका मतलब पेड़ पौधा हमारा से जिंदा है कि नहीं, क्योंकि हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बन गया रासायनिक समीकरण, इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। चलिए इसको संतुलित करते हैं। संतुलित का मतलब आगे भी बताएंगे हम केमिस्ट्री के अंदर जब पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहला नंबर चैप्टर, उसमें समझा दिया जाएगा। चलिए अभी फिलहाल आप जान लीजिए, यहाँ पर लिखिए 6, यहाँ पर लिखिए 12। क्या लिखिए? यहाँ पर लिखिए 6 6 2 12, 6 का 6 6 का 6। चलिए लिखा गया कि नहीं बताइए, बचपन में पढ़े थे आप 6 का 6 6 2 12, 6 का 6 6 का 6। ये वाला जो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जो हमारा ग्लूकोज है, उसमें कुछ नहीं सटा उटा कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। आपको डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा, क्या पता है, पता है आपको? नहीं। ये पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछेगा। तो क्या आप नहीं लिख देंगे? हाँ लिखेंगे। कैसे? याद करना है कि बताइए तो प्रकाश संश्लेषण में कथी कथी दिए थे भैया? प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा CO2 लिया था, हाँ CO2 दे दिए। उसके बाद क्या लिए थे, क्या दिए थे पेड़ पौधा को? तो पेड़ पौधा को हम पानी दिए थे, हाँ भाई पानी दे दो भाई, CO2 दे दिया, पानी दे दिया। अब बताइए कि और कथी लेता है पेड़ पौधा खाना बनाने के लिए?
सूरज की प्रकाश। चलिए सूरज की प्रकाश मिल गया, अब उसके अंदर क्लोरोफिल होता है कि नहीं, क्लोरोफिल मिल गया। अब जैसे इतना चीज मिला तो CO2 और पानी दनादन झगड़ा किया, लड़ाई किया, मार किया, पीट किया, फाइट किया, बनाया क्या ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, हाँ ये खाना बना तो ये पेड़ पौधे का फायदा। अब हमको क्या फायदा है, अच्छा पानी पिया था, पानी निकालेगा, रुकिए रुकिए रुकिए, पानी लिख दिए। उसके बाद फिर मनुष्य को क्या फायदा हुआ, तो हमको फायदा हुआ कि हम जीते कैसे भाई, ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण जब हुआ तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन भी दिया। भैया ऑक्सीजन लिख दिए, अब पढ़ना है छ के पहाड़ा। क्या पढ़ना है, छ के पहाड़ा पढ़िए। छ का छ, छ दुनी बारह, फिर यहाँ ग्लूकोज को छोड़ के छ का छ, फिर छ का छ लिख देना है। इस तरीके से आपको प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण एकदम चुटकी में लिखा गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, जरा ध्यान दीजिएगा। आप मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ा सा समझाने में तो टाइम लगेगा कि नहीं, आप ही कुछ सोचिए कि याद करने से अच्छा समझना होता है कि नहीं। क्या बात है, आप तो बहुत समझदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर पॉइंट में समझते हैं। पहला नंबर, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाशीय का मतलब भाई प्रकाश वाला रासायनिक अभिक्रिया है, अभी तो हम समझे हैं, है कि नहीं, ये सब याद करने की चीज है जी नहीं। चलिए नंबर टू, पहला नंबर हो गया नंबर टू, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अब कैसे बदलती है भाई, ये कौन सी बात हुई, ये लफड़ा समझ में नहीं आई भाई, समझिए। क्या समझिए, हमने सूर्य प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों को लाइट दिया, प्रकाश दिया, तो भाई प्रकाश इसको दिए तभी ना ये लड़ाई किया, तो रिएक्शन जो हुआ रासायनिक अभिक्रिया बना कि नहीं, जो ग्लूकोज बनाया ये रासायनिक न है, रसायन ही न है वो, जी हाँ, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, दो चीज यहाँ पर मिला तो तीसरा चीज बना, नया वाला नहीं बना, बना हम आपको बता देंगे आगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास टेंथ में भारतीय भवन। चलिए नंबर तीन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ भोजन किस रूप में होता है, सर जी ग्लूकोज के रूप में होता है। क्या बात है, आप लोग तो बहुत समझदार है, याद हो गया, अरे तुड़ी के हम एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, नहीं आना है, एकदम गलत बात, छोड़ना नहीं है। 2024 जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आप बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे, और आपका नंबर पता है कितना आने वाला है, जी हाँ 95% प्लस, 95% प्लस आ जाएगा, एकदम पूरी गारंटी हमारी, अगर आप मेरे साथ बने रहे मजेदार तरीके से तैयारी करते रहे बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी ध्यान दीजिएगा, तो नंबर तीन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है, मतलब ग्लूकोज बन गया और रखा गया, समझ में आई, आगे बढ़े। नंबर चार, प्रकाश संश्लेषण में H2O, भैया हमको ऑक्सीजन किधर से आया भाई, प्रकाश संश्लेषण से आया, तो किसको टूटने से आया, हमने पानी दिया था, पानी टूटा, पानी का विखंडन हुआ, हमको ऑक्सीजन मिला। क्या बात है, हम तो कभी सोचबो नहीं किए थे कि ऐसा होता है। चलिए H2O को टूटने से उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन। सवाल पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में क्या बनता है। वाह वाह क्या बात है, हम तो सीख ले हैं, ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन में टिक लगाना है, समझ में आई। चलिए नंबर पांच, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल कब, दिन में, केवल और केवल दिन के समय में होती है। क्या रात में प्रकाश संश्लेषण होगा भाई, रात में किधर से सूरज आता है, हम तो नहीं देखे, आपने देखा है कभी, क्या आपका पड़ोसी देखा है, अरे नहीं देखा सर, ऐसा कभी नहीं होता जी, यही तो हम भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, रात में कैसे प्रकाश संश्लेषण होगा, नमबे है प्रकाश और लाइटबे नहीं रहेगा तो कुछ होगा नहीं होगा, तो केवल और केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता। अब एक बात जरा बताइए हमको,
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर रात में नहीं होती है, इसका मतलब पता है आपको? बताइए बताइए क्या होगा? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होगा, यानी कि भोजनमा नहीं बनेगा, तो क्या हमको ऑक्सीजन मिलेगा? भाई प्रकाश संश्लेषण होता है तब ना ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ तो प्रकाश संश्लेषण रतबा में होवे नहीं किया, तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिला? नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग है उनका बात तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए। वो कहते हैं कि बउआ रात में ना जाइए पेड़ के पास, तो कला जाए छू? नहीं जाना चाहिए आपको रात में पेड़ पौधों के पास, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में वो प्रकाश संश्लेषण नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं दिया। अब ऑक्सीजन नहीं दिया तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? मिलेगा नहीं। इसीलिए रात के समय में हमको पेड़ पौधा के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसको हम अभी बताएंगे, कुछ ऐसे पेड़ हैं जैसे कि तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये क्या करता है? दिनों में ऑक्सीजन छोड़ता है और रातों में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए इन पेड़ों को पूजा जाता है और इन पेड़ों को धर्म के साथ जोड़ दिया गया। किसके साथ? धर्म के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा कि आदमी काटेगा नहीं, क्योंकि आदमी जो है ना बड़ा बेकार चीज का नाम है। वो जब उसको जरूरत पड़ता है कोई चीज का, पेड़वे काटता है कि नहीं? नहीं काटना चाहिए। कहा जाता है कि एक पेड़ 100 संतान के बराबर होता है, एक पेड़ 100 संतान के बराबर होता है, यानी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ को बचाइए बचाइए बचाइए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण करने वाला ही नहीं रहेगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन रहेगा, बैलेंस रहेगा? क्या हम लोग मनुष्य या जीव जंतु जो ऑक्सीजन लेते हैं क्या ले पाएंगे? नहीं सर, मृत्यु हो जाएगी जी, इस धरती पर से जीव जंतु का विनाश हो जाएगा। इसीलिए पेड़ पौधों को बचाइए। चलिए नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। कितने? 2। कैसे? पहला प्रकाशीय अभिक्रिया। ये कौन सी बात हो गई भैया? समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण 2 चरण में, हाँ कैसे, समझिए। देखिए, हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश चाहिए। अब बताइए, सूरज की प्रकाश नीचे आया, पेड़ पत्ती पर पड़ा, तो बताइए कि किरण को, प्रकाश की किरण को कौन खींचा, ऑब्जर्व कौन किया? अभी बताया था ना, ईमानदारी बोलिएगा, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है थोड़ा देर में समझेंगे। अभी हम इतना समझिए कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। किसके कारण? पेड़ पौधों के कारण ही उसकी पत्तियां हरी होती है, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Mg मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। यानी कि मैग्नीशियम के कारण जो है क्लोरोफिल में जो है हरा रंग आया और पेड़ पौधे की पत्तियां हरी हो गई। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, अब सूरज की प्रकाश इसको खींच लिया, बस इसका इतने काम है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का सिर्फ एक काम, क्या? इतना कि भाई सूरज की रोशनी को खींच लिया, दे दिया, लो भाई खाना बनाओ। भाई हम लोग को कोई कहता है कि जरना ले आए खरीद के, तो ला के दे दिया, लो बनाओ। उसी तरह क्लोरोफिल का काम है, भैया लेके आए हैं, लो बनाओ खाना, दे दिया। अब दे दिया तो जब थोड़ा देर के लिए अगर आप पेड़ पौधों को जो है धूप में रख देंगे, तो वो क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को खींच लेगा। खींच लेने के बाद अब उस पेड़ पौधों को उठाकर आप अगर लगाए हुए हैं किसी उसके टब वगैरह में, तो उठाकर अगर ठंडा जगह में भी रख देंगे आप उसको, फिर भी वह प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। बोलिए कैसे? इसलिए कि आपने जो जिसको जो चीज़ चाहिए वो तो मिल ही नहीं गया। यहाँ पर सूरज की रोशनी चाहिए थी, इसको मिल गया, यानी चला गया कहाँ? ठंडा में, तैयो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। वही लिखा हुआ यहाँ देखिए, प्रकाशीय अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में H2O का अपघटन। यानी कि सूर्य की प्रकाश होगा दिया, क्लोरोफिल इसको ऑब्जर्व कर लिया, फिर H2O का अपघटन होगा तो हमको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन।
अब क्लोरोफिल जब इसको खींच लिया रोशनी को, तो खींचने के बाद यानी प्रकाश की किरण को जब खींच लिया तो हम ठंडा में रख दिए। अब बताइए वहाँ धूप नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है कि नहीं, तो उसको बोलेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहती है। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको, ये सारा कुछ समझ में आया? चलिए थोड़ा सा हम बातें करते हैं पेड़ के बारे में। जरा देखिए हमने इसको ड्रॉ किया है, आपको लगता होगा कि अच्छा तो नहीं किए होंगे, आपसे बेहतर तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि करें। चलिए देखिए यहाँ पर ये पेड़ बना हुआ है, नीचे इसका जड़ है और ये इसकी पत्तियां आपको दिख रही होगी। चलिए बात करते हैं नीचे से, नीचे छोड़िए पहले ये वाला देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जो नागिन डांस की तरह खड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग तना। तना ये जो हमारा देखिए, मेरा तना कौन है, ये हमारा हाथ हो गया, ये जो हमारा पूरा देख रहे हैं आप, इसको तना बोलेंगे, ये पेड़ का तना हो गया, ठीक है। उसके बाद तना से नीचे जो निकला हुआ ये से जो ऐठल ऐठल नहीं देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं जड़, यानी कि रूट्स, अंग्रेजी में रूट्स यानी कि जड़े। क्लियर है, समझिएगा ध्यान से। अब जैसे ही पानी डालते हैं तो यहाँ की जो जड़ें होती है, जड़ें वो जड़ों के द्वारा ऊपर की ओर कौन जाता है, पानी लेके जाता है, कौन, जाइलम। हम पढ़ेंगे परिवहन में, चिंता मत कीजिए, जाइलम उत्तर जल से, जाइलम जल से जल, जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। चलिए जाइलम गया ऊपर लेकर, कौन किसको गया, पानी को लेकर गया, छोड़ दिया कहाँ, पत्तियां में भाई, लो भोजन बनाओ। क्लियर, प्रकाश लिया कौन, क्लोरोफिल, लो भाई भोजन बनाओ, बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते, अब ये इसको बोलते हैं तना, यानी कि अंग्रेजी में स्टेम कहा जाता है। ये पत्तियां आप देख रहे हैं, पत्तियां, पत्तियों के अंदर जो होता है, पत्ती का ऊपरी भाग कहलाता है एपीडर्मिस, उसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एपीडर्मिस, पत्तियों का सबसे बाहरी भाग जो होता है, जो बाहरी त्वचा होती है, उसको बोलते हैं एपीडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपीडर्मिस, अभी पढ़ने वाले, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। उसके बाद ये वाला हमारा लीफ है जिसको हम पत्ती कहते हैं, और ये हमारा फ्लावर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। अभी थोड़ा देर के बाद अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं आप लोग कि भाई क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, रंध्र क्या होते हैं, सब कुछ अभी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, चिंता नहीं कीजिएगा, मैं आपको बायोलॉजी में रुचि पैदा कर दूंगा और आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको इतना अच्छा नंबर आएगा कि आप पूरे समाज में सबसे टॉप पे चले जाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अब समझते हैं हम लोग रंध्र या एस्टोमाटा। तो रंध्र या एस्टोमाटा के बारे में जरा बता दें हम आपको, ये क्या होता है। तो अभी अभी आप जो फिगर देख रहे थे पादपों का, जो पादप का हमने फोटो बनाया था, यानी पेड़ पौधों का, यहाँ पर जो एक पौधा का फोटो आप देख रहे थे, उसी में जो है मतलब हर पेड़ के पत्तियों में, हर पेड़ के पत्तियों में रंध्र या एस्टोमाटा पाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं, जरा इसकी, इसके बारे में जरा बात कर लें। जरा देखिएगा ध्यान से, लिखा है कि पत्तियों के बाहरी सतह एपिडर्मिस में उपस्थित सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा को सूक्ष्म कहते हैं। तो सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र या एस्टोमाटा कहा जाता है, रंध्र या एस्टोमाटा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो रंध्र या एस्टोमाटा कहते हैं उस छोटे से छिद्र को जी, जो एपिडर्मिस के बाहर, जो एपिडर्मिस के बाहर यानी कि पत्तियों के बाहरी सतह जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें उपस्थित होता है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, रंध्र या एस्टोमाटा। इतनी बातें आपको क्लियर है क्या, इतनी बातें आपको क्लियर है? अगर क्लियर है, वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो जल्दी से आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें जल्दी से, और अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सबसे बड़ा आप जो है यही गलत कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी पहुंचाइए सभी जगह, जितने भी स्टूडेंट्स से पढ़ने वाले तैयारी जो कर रहे हैं उसके यहाँ जल्दी से पहुंचाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं सभी जगह इस वीडियो को जल्दी से पहुँचाइए। चलिए फटाफट, अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से पहले लाइक भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इसी रंध्र के द्वारा पत्तियाँ CO2 को क्या करती है, ग्रहण करती है, किसको, CO2 को। अभी हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 जो होते हैं पेड़ पौधे वातावरण से लेते हैं, तो भाई जो वातावरण से जो गैस आया वह गैस पेड़ के पत्ती में किधर से घुसेगा, तो किधर से घुसेगा भाई, रंध्र या एस्टोमाटा जो कहाँ होते हैं, तो पत्तियों के बाहरी, पत्तियों के बाहरी स्थित होते हैं सूक्ष्म छिद्र, उसी को कहते हैं रंध्र या एस्टोमाटा। तो इसी रंध्र या एस्टोमाटा के द्वारा
CO2 अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है, अंदर है कि नहीं है। और जो उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन बनता है वह इसी छिद्र के द्वारा बाहर भी निकलता है। जी हाँ जी हाँ, तो सवाल पूछा था परीक्षा में कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। आंसर क्या लगाएंगे, आंसर बताइए जल्दी से, क्या लगाना होगा? रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा दिमाग में बैठा लीजिए, रंध्र या स्टोमाटा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखा है कि CO2 को ग्रहण करती है एवं ऑक्सीजन को छोड़ती है। जी आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रंध्र या स्टोमाटा का खुलना एवं बंद होना, यानी कि रंध्र या स्टोमाटा में जो होते हैं ना वह खुलता भी है बंद भी होता है। एक बार के लिए खुल जाता है फिर सिकुड़ जाएगा, जैसे एक बार के लिए मुंह खोलिए फिर उसको बंद कर लीजिए, इस तरीके से जो है हमारा स्टोमाटा काम करता है। अब ये काम जो करता है क्या इसको कराया जाता होगा? बिल्कुल, ये किसी और के इशारों पर नाचता है। उसका नाम क्या है? द्वार कोशिका। क्या नाम है? द्वार कोशिका, यानी कि गार्ड सेल इसको कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए क्या होता है ये? तो रंध्र का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। आपसे सवाल पूछ देगा, यहाँ पर जितने बातें बताया जा रहा है ये आपका टोटल नोट्स तैयार हो चुका है, बढ़िया वाला एक नोट्स। आपने ऐसा कभी नहीं तैयार किया होगा, ऐसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो आप क्या कीजिए कि जितने भी बढ़िया से यहाँ पर हमने आपको लिखकर बताया है उसको जल्दी जल्दी से आप लोग कॉपी पर भी लिखिएगा और उसका पूरा नोट्स तैयार करके उसको जो है याद कीजिएगा, पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और दिमाग में इसको एडजस्ट कीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल नहीं छूटे, एक भी सवाल। हमारा टारगेट अपना टारगेट आप नहीं भूलिएगा। आपका टारगेट क्या है भाई? 95% प्लस, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 95% प्लस आपका टारगेट एकदम आएगा, 100% आएगा। आप पूरी जी जान लगा दीजिए, एकदम आने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर। आपका नाम सबसे ऊपर रहने वाला है, आपका नाम सबसे ऊपर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़े। रंध्र का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। देखिए कब ये खुलता है कब बंद होता है जरा समझिएगा। जब कोशिकाएं जल को अवशोषित करता है, जल माने पानी, जल माने पानी, तो जब द्वार कोशिका को जल मिलता है ना तो जल अवशोषित जब करता है तब वह क्या होते हैं? फूल जाता है भाई, वो फूल गया। क्या हो गया? फूल गया। जैसे रोटी पर अगर पानी गिर गया तो वो क्या होता है? रोटी की लेयर फूल जाती है। फूल जाती है कि नहीं? फूल जाती है। उसी तरीके से दो चार लप्पर लगता है तब वो फूल जाता है। चलिए आगे देखिएगा, तो वह फूल जाती है जिससे रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। क्या हुआ कि जब द्वार कोशिका को पानी मिला, क्या मिला? पानी मिला, तो पानी से वो फूल गया है कि नहीं है? जब वो फूल गया, जब पानी से वो फूल गया यानी कौन? द्वार कोशिका जब फूल जाता है तो रंध्र खुल जाता है। खुल गया तब खुल गया, ऐसे याद रहेगा कि नहीं? जब द्वार कोशिका में पानी भरता है तो द्वार कोशिका फूल गया यानी फूल जाता है, तो उसकी रंध्र या स्टोमाटा जो होते हैं वह खुल जाता है कि नहीं है? और द्वार कोशिकाओं का जल बाहर जब निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब जल जो है द्वार कोशिका को जल पहुंचता है, यानी कि जब द्वार कोशिका जल को क्या करता है भाई? जल को अवशोषित करता है, तो द्वार कोशिका क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, जिसके कारण रंध्र खुल जाता है। और जब द्वार कोशिका से पानी बाहर निकलती है बाहर, तो द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ने से रंध्र या स्टोमाटा भी सिकुड़ जाता है यानी बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और यह क्रिया कब होती है भाई? दिन में होता है, दिन के समय में। क्यों? दिन में क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि सूर्य की प्रकाश आ रही है, उससे ये पेड़ पौधे अपना खाना बना रहे हैं। तो उस वक्त जो ये घटनाएं घटती है तो उस टाइम में जो है द्वार कोशिकाओं का जो कंडीशन होता है, जो सिस्टम होता है, वह दिन में इस तरीके से होती है कि जब उसको पानी मिलेगा फूल जाएगा, रंध्र या स्टोमाटा खुल जाएगा। जब द्वार कोशिका से पानी बाहर निकलेगा तो द्वार कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है, और रंध्र या स्टोमाटा बंद हो जाएगा। यह क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। इसके विपरीत यानी उल्टा, चलिए उल्टा,
इसके विपरीत जब द्वार कोशिका का जल बाहर निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाती है जिससे रंध्र बंद हो जाता है और यह रात के समय यानी रात के टाइम में होता है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? अगर आपको इतनी बातें क्लियर, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए इसको, उसके बाद ये आपके दिमाग में किस तरह डाउनलोड होगा वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़े। नोट यहाँ पर लिखा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो लिखा। तो भाई रंध्र या एस्टोमाटा द्वारा वायुमंडल से CO2 गैस पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण विधि द्वारा पहुंचती है। कौन सी विधि? विसरण, डिफ्यूजन कहा जाता है इसको। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब ये विसरण कौन सी विधि है भाई? विसरण विधि समझते हैं? नहीं तो विसरण विधि का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, उसको कहते हैं विसरण। जैसे कि समझिएगा, जब मान के चलिए कि आपको ऊपर से पानी नीचे लाना है तो आप क्या करेंगे? ऊपर के टंकी में पानी भरेंगे, फिर पाइप लगाएंगे, तब बिना कुछ किए बिना मोटर लगाए पानी नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर नीचे का पानी आपको ऊपर ले जाना है तो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? उसके लिए पाइप लगाइए, पाइप तो वैसे भी लगाना पड़ेगा, लेकिन मोटर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जी पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि पेड़ की पत्तियों में तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कम होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हम बताए थे ना अभी 0.03% होता है। तो ज्यादा से कम की ओर जब कोई चीज जाती है तो उस विधि को यानी उस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंध्रों या एस्टोमाटा द्वारा वायुमंडल से CO2 गैस पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण विधि द्वारा पहुंचती है। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। चलिए, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, नाम क्या है इसका? हरित लवक, यानी कि देखने में हरा होगा। चलिए, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से क्या होता है। पादप कोशिकाओं का वह कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग। भाई क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका का एक अंग है, सेल्स का एक पार्ट है, कोशिका का अंग है, इसलिए कोशिकांग शब्द आया। ध्यान से सुनिएगा, पादप कोशिकाओं का वह कोशिकांग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। आपसे सवाल पूछेगा कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, आंसर देंगे क्लोरोप्लास्ट में। भाई क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लोरोफिल जो होता है वह पादप कोशिकाओं के कोशिकांग में पाए जाते हैं, कोशिके के अंग में पाया जाता है कि नहीं है? और यह क्लोरोफिल जिसके कारण पेड़ के कुछ भाग एवं पत्तियां क्या होती है? हरी दिखाई देती है और पेड़ हरे भरे होते हैं। समझ में आया? पूछेगा कोई या सवाल अगर एग्जाम में आपको आएगा कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पेड़ पत्तियां हरे होते हैं, ठीक है, हरे दिखाई देते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है भाई? कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े फटाफट। देखिएगा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जितने भी पॉइंट हम लिखवाते हैं ना वो सब आपके एग्जाम के वीओ पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्जाम बोर्ड जो है इसको बहुत बार टारगेट करता है, इसलिए आप ईमानदारी से समझिएगा। देखिए, हरित लवक अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गया भाई। हरित लवक कौन? क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांशतः पौधों की पत्तियां, मतलब जो हमारा हरित लवक है वो और जगह भी पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता इसका मतलब तो ये अधिकांश तो नहीं लिखा था भाई। अधिक तौर पर पाया जाता है पेड़ की पत्ती में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ? तो भाई तना में भी पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया कि नहीं? चलिए, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको? हरित लवक को कहते हैं अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है हरित लवक को। एकदम ध्यान दीजिएगा, अंगक में और अंग में अंतर होता है भाई। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो अंगक और अंग में अंतर है। जैसे नाक आपका अंग है, समझिएगा, आपका जो नाक है वो एगो अंग है, और नाक किससे बना? कोशिकाओं से। तो कोशिका उसका अंगक हो गया, यानी इकाई हो गया। समझ में आया कि नहीं?
जैसे आपका स्कूल का बैग वो आपका पत्ती है, स्कूल के बैग में जो आप रखे हुए हैं किताब कॉपी कलम वो आपका अंगक है, समझिएगा ध्यान से। चलिए, तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी इकाई, इसको याद रखिएगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों को याद कैसे रखेंगे भाई, ट्रिक समझिए भाई, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, इसको कैसे याद रखे, ट्रिक देखिएगा, एगो अंग एगो अंगक, दो को याद रहेगा तुम, एगो अंग एगो अंग, बताइएगा अंगक बड़ा कि अंग बड़ा। अरे भाई मेरे अंगक में अक्षर कै गो, तीन गो, आए में अक्षर कै गो, दू गो, तो कम वाला में कम को मिलाइए, ज्यादा वाला को ज्यादा से मिलाइए। देखिए हरित लवक में ज्यादा अक्षर, पत्तियों में कम अक्षर, और अंगक में ज्यादा अक्षर और अंग में कम अक्षर, तो ज्यादा अक्षर वाला को ज्यादा अक्षर वाला से दोस्ती करा दीजिए और कम अक्षर वाला को कम से करा दीजिए। याद हुआ कि नहीं, हरित लवक को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक, और पत्तियों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। समझ में आया। आगे, क्लोरोप्लास्ट के भीतर कौन रहता है, क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी ना बता रहे थे, देखिए आगे, क्लोरोफिल या पर्ण हरित, क्लोरोफिल या पर्ण हरित, पर्ण हरित देखिएगा, क्लोरोफिल एक प्रोटीन जटिल रासायनिक यौगिक है भाई। ये क्लोरोफिल जो है जो एपिडर्मिस के अंदर है, वही क्लोरोफिल जिसके कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती है, वही क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, वही क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, वही क्लोरोफिल जिसके कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और वही क्लोरोफिल जो प्रोटीन युक्त होता है, जटिल रासायनिक यौगिक होता है, जटिल होता है। पॉइंट देखिए, पॉइंट समझिएगा, क्लोरोफिल के कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती है, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम भाई, मैग्नीशियम जो होता है, यही मैग्नीशियम तत्व हमें हरा रंग प्रदान करता है भाई पौधों के अंदर, यही मैग्नीशियम क्या करता है, पौधों में हरा रंग प्रदान करता है, मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल में हरे रंग आते हैं। चलिए नंबर तीन, क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है। ईमानदारी से कहिएगा, क्या आपको आज का क्लास कैसा लगा, अगर आपको सही लगा तो आप मेरे इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और जहां तक हो सके आप इनको शेयर कीजिए, चैनल को और ज्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो भी लेक्चर अगर आप मिस्टेक किए हैं अभी तक, जैसे लेक्चर नंबर ये 4 था जैसा कि हम बता हैं आपको, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए पहले, उसमें हमने आपको परपोषण के प्रकार बताया है। जी हाँ, जाकर जल्दी देखिए, और इसके आने वाला जो वीडियो है हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं, पता है क्या, हम पढ़ने वाले हैं कि वही पेड़ पौधे जो पोषण करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, जिसको हमने सूर्य की रोशनी दिया, जिसको हमने मंडल से CO2 गैस दिया, जिसको हमने जड़ से खनिज लवण जल दिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाया, आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्या बिना क्लोरोफिल से वो भोजन नहीं बना सकता, क्या बिना CO2 के जरिए वो खाना नहीं बना सकता, हम इस चीज को सिद्ध करने वाले हैं अगला वीडियो में, उसमें हम समझेंगे कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या CO2 आवश्यक है, तो क्यों है इसको साबित कीजिए, क्या पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए CO2 आवश्यक है, इसको सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए, साबित कीजिए। हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप तैयार रहेंगे, आप घर पे पढ़ाई करते रहे, मस्ती में रहे, पढ़ते रहे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहे, किसी को मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है, अपने आप से आप मतलब रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट जो आपने सोचा है, जो हमारा टारगेट है, आपको उस टारगेट तक पहुंचाकर मैं रहूंगा, फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।